हमने बात किया था मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। हमने मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना था, हमने मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल में क्या क्या एनोमलीज है, क्या क्या उसके लिमिटेशन है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने आपको बताया था कि जो मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल है वो ट्रूली बेस्ड है, वो टोटली बेस्ड है एटॉमिक मास पर, ठीक है, क्योंकि ये एटॉमिक मास पर बेस्ड था, ठीक है, जो आपका मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पर बेस्ड था। इसी के चलते जितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जितने सारे लिमिटेशन क्रिएट हो रहे थे, जैसे क्या क्या लिमिटेशन क्रिएट हो रहे थे, तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि एनोमलस बिहेवियर का, एनोमलस बिहेवियर से अच्छा ऐसे बोल सकते हो कि एनोमलस पेयर का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो मेंडलिफ ने जो अरेंजमेंट करा था, उन्होंने कैसे अरेंज करा था कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के आधार पर उन्होंने अरेंज करा था, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि भाई उन्होंने क्या करा कि वैसा एलिमेंट जिसका मास कम है, ठीक है, जिसका मास कम है उसको उन्होंने ज्यादा वाले के बाद प्लेस कर दिया था। तो मतलब कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि क्योंकि एटॉमिक मास जो था, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स थे उनका जो एटॉमिक मास था वो डाउटफुल था, ठीक है। जब एटॉमिक मास ही डाउटफुल होगा तो ऑब्वियस है कि जो अगर उसके आधार पर जब आप अरेंजमेंट करने की कोशिश करोगे तो जो पूरा सिस्टम है वो भी क्या होगा, आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि भाई एटॉमिक मास को चेंज करा जाए, ठीक है। 1905 में हमने आपको बताया था कि 1905 में उनका फाइनल, ठीक है, 1905 में उनका फाइनल मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड टेबल पब्लिश हुआ, यानी मेंडलिफ का जो फाइनल मॉडिफाइड टेबल जो पब्लिश हुआ था 1905 में हुआ था, और 1907 में उनका डेथ हो गया था, ठीक है। 1905 में जब उनका टेबल पब्लिश हुआ तो उसके बावजूद भी देखा गया कि भाई काफी सारी कमियां हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, और सबका कंक्लूजन ये निकाला गया कि भाई सारे प्रॉब्लम्स का जो जड़ है, ठीक है, सारे प्रॉब्लम्स का जो मेन सोर्स है वो एटॉमिक मास है, ठीक है। तो उन जो केमिस्ट थे ऑन दैट टाइम, जो फिजिस्ट थे, उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम लोग एटॉमिक मास को ही, ये जो एटॉमिक मास को ही अगर हम लोग इसी को चेंज कर दें, यानी जो बेस है जिस बेस पर मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल बना है, अगर हम लोग इसी को चेंज कर दें तो हो सकता है कि जितने भी एनोमलीज है, जितने भी लिमिटेशन है मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल के, वो शायद दूर हो जाए, वो सारे शायद खत्म हो जाए, ठीक है। देखिए जितने भी केमिस्ट थे, यानी 1905 के बाद, है ना, क्योंकि ये जो टेबल पब्लिश हुआ था 1905 में हुआ था, तो 1905 के बाद जितने भी केमिस्ट थे उनको उनका ऐसा मानना था, ठीक है, क्योंकि आपका जो एटॉमिक मास था वो फ्रैक्शनल था, ठीक है, कोई भी एक सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई बहुत सारे एलिमेंट का मास डाउटफुल था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप जो भी एलिमेंट्स हैं अगर उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट का अगर आधार पे आप अरेंज करते हो तो ठीक है, पीरियोडिसिटी मिल रहा था, यानी एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, लेकिन उसका कारण, ठीक है, अगर रिपीट हो रही तो क्यों रिपीट हो रही है उसका कारण एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम था कि अगर आप एटॉमिक मास वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसके आधार पर अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो, ठीक है, तो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी को ही आप, है ना, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी केवल एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टी को ही आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आप ऐसे बोलो कि अगर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, ठीक है, पीरियोडिसिटी अगर हो रहा था तो मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी ही रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो ये सब चीजें कब एक्सप्लेन हो पाया, जब उन्होंने क्या बताया, जब उन्होंने किसको बेस मान के चला, जब उन्होंने एटॉमिक मास को कोर मान के चला कि भाई इसी के आधार पर अरेंज करना चाहिए, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि भाई इसी को रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, क्यों रिप्लेस कर दिया जाए, उन्होंने इतने सारे कारण दिए, फिर से एक बार कि भाई एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है, कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं करता है, डाउटफुल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये केवल फिजिकल प्रॉपर्टी को ही एक्सप्लेन कर पा रहा है और ये पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई इसी को रिप्लेस करा जाए, यानी एटॉमिक मास वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी को रिप्लेस करा जाए, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, इसको रिप्लेस करने के लिए एक साइंटिस्ट की एंट्री होती है, ठीक है, जिनका नाम था हेनरी मॉसले, ठीक है, जिनका नाम था हेनरी मॉसले, ठीक है। अब हेनरी मॉसले ने क्या किया, हेनरी मॉसले ने क्या करा, जो एटॉमिक मास था उसको उन्होंने एटॉमिक नंबर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर से अभी तक का जो क्लासिफिकेशन था, जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था, आप ऐसे बोल सकते हो जो बेस था क्लासिफिकेशन का, ठीक है, जो बेस था क्लासिफिकेशन का वो क्या था, बेस आपका एटॉमिक मास था, है ना। और क्योंकि एटॉमिक मास पे जब अरेंज करा जा रहा था तो इतने सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हेनरी मॉसले ने क्या सोचा कि भाई इसी को रिप्लेस कर दिया जाए, यानी जो एटॉमिक मास वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी को रिप्लेस कर दिया जाए,
ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने इसको रिप्लेस करा तो सोचा कि भाई किससे रिप्लेस करा जाए, तो उन्होंने रिप्लेस करा इसको एटॉमिक नंबर से रिप्लेस करा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये आपके मन में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, देखिए हमने आपको एटम के बारे में ऑलरेडी बता रखा है कि भाई एटम क्या होता है, ठीक है, और हमने आपको बताया था कि जो एटम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आप ऐसे बोलो कि एटम को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए एटम, और एटम को आप बोल सकते हो कि भाई इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका, यहाँ पे बोल सकते हो कि आप हो गया एक आपका आउटर मोस्ट पार्ट, है ना, आउटर पार्ट बोलो, या इसको बोल सकते हो आप आउटर मोस्ट पार्ट हो गया आप इसको, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक हो गया आपका न्यूक्लियर पार्ट, ये अच्छा रहेगा बोलना, आउटर इनर से अच्छा रहेगा कि हम लोग बोले कि भाई एटम के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, यानी न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो हम लोग इस प्रकार से एटम को क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सा, एक हो गया न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा क्या हो गया आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या मिलेगा, केवल इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना। तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ भी चेंजेज होते हैं, तो वो सब किसके चलते होते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलते। ठीक है, और किसी भी एटम में, किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड ई और पी ये तीनों बराबर होते हैं, यानी आपका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, ये तीनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हेनरी मोसर ने क्या सोचा कि भाई एटॉमिक नंबर जो है ये एक बेहतर ऑप्शन होगा, एक बेहतर पैटर्न होगा कि भाई इसी को हम लोग फॉलो करें, और जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज करें। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आपके मन में और प्रश्न आ सकता है कि भाई क्यों एटॉमिक नंबर के आधार पर ही अरेंज किया जाए। ठीक है, ये भी आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है। देखिए सबसे बड़ा जो रीजन है कि भाई ये फ्रैक्शनल नहीं है। ठीक है, अगर ये भी प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि भाई एटॉमिक नंबर के आधार पर ही अरेंज करा जाए, तो सबसे पहला इनका ये रीजन था कि भाई एटॉमिक जो नंबर होते हैं वो फ्रैक्शनल नहीं होते, यानी एटॉमिक नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शनल। सबसे पहला रीजन उनका ये था कि भाई जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो फ्रैक्शनल नहीं होते। ठीक है, दूसरी बात, हर एक एलिमेंट का, ठीक है, हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफाइड, ठीक है, हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक जो होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताया कि भाई जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी जो जेड होता है आपका, रेगुलरली इंक्रीज करता है, मतलब एक सर्टेन, मतलब रेगुलरली ये इंक्रीज करते रहते हैं। आप ऐसे बोलो कि इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चौथी बात इन्होंने बताया कि जो जेड है आपका, अगर आप एटॉमिक नंबर के आधार पे आप अरेंज करते हो, अगर आप क्या करते हो एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज करते हो, तो आप डायरेक्टली, ठीक है, आप प्रॉपर्टीज तो बता ही सकते हो, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आप बता ही सकते हो, आप एग्जैक्टली पोजिशन, ठीक है, कि भाई एलिमेंट का पोजिशन कहाँ पे है आप उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इन सब, ठीक है, इन सब पॉइंट का उन्होंने बताया कि भाई ये प्रॉफिट है, ये फायदा है एटॉमिक नंबर लेने से। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, हेनरी मोसले ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा, और कब करा, 7 सालों बाद। ठीक है, क्योंकि 1905 में तो उनका पब्लिश हुआ था मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, तो इन्होंने 1912 में, यानी 1905 के बाद, 1912 यानी 7 सालों बाद हेनरी मोसले, ठीक है, ये एक इंग्लिश फिजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, 38 एलिमेंट्स को स्टडी करा। सबसे पहले इन्होंने 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को इन्होंने चूज करा। ठीक है, अच्छा, जितने भी एलिमेंट्स उसको उन्होंने क्या करा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से उन्होंने बम्बार्ड कराया। ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से उन्होंने बम्बार्ड कराया, और बम्बार्ड जैसे ही उन्होंने कराया तो वहां से एक्सरे मिला उनको। ठीक है, वो जो रेज है वो क्या इमिट कर रहे थे, एक्सरे इमिट कर रहे थे। फिर से एक बार उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, 38 डिफरेंट एलिमेंट्स उन्होंने लिया। ठीक है, कब लिया, 1912 में, और उसको उन्होंने क्या करा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से उन्होंने बम्बार्ड कराया। ठीक है, और जब उन्होंने बम्बार्ड कराया तो उन्होंने नोटिस करा कि भाई सबसे एक्सरे निकल रहा है, और जितने भी एक्सरे निकल रहे थे सबका उन्होंने फ्रिक्वेंसी को स्टडी करा। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक्सरे जो निकल रहा था उसका उन्होंने क्या करा, फ्रिक्वेंसी स्टडी करा। ठीक है, और उन्होंने ये नोटिस करा,
ठीक है, उन्होंने नोटिस करा क्या कि भाई जो फ्रिक्वेंसी है, यानी जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, फिर से जो स्क्वायर रूट ऑफ क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी है, वो जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। ठीक है, जो वो आपका जो 38 उन्होंने जो एलिमेंट्स लिया था जब उसको उन्होंने क्या करा था, बम्बार्ड कराया था, किससे बम्बार्ड कराया था, इलेक्ट्रॉन से जब उन्होंने बम्बार्ड कराया था, ठीक है, तो वहां पे एक्सरे निकल रहे थे, तो और उन्होंने नोटिस करा क्या कि भाई जो भी एक्सरे निकल रहे थे, ठीक है, उसका फ्रिक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के, ठीक है, ना कि एटॉमिक मास के। तो इस प्रकार से उनको ये आइडिया मिल गया कि भाई जो एटॉमिक नंबर है ये मोर फंडामेंटल है, एटॉमिक नंबर जो है क्या है, वो मोर फंडामेंटल है किसके कंपैरिजन में, किसके तुलना में, एटॉमिक मास के तुलना में। तो उनको एक तरह से आप बोल सकते हो कि उनको एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मिल गया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिखाया करके कि भाई एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा फंडामेंटल है एटॉमिक मास के तुलना में। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया कि भाई एटॉमिक मास पे जो अरेंजमेंट हो रहा था अभी तक, ठीक है, उसको उन्होंने एक तरह से क्या कर दिया, डिनाइड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और लोग के यहाँ तक अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक ग्राफ प्लॉट करा, और जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट करा तो उनको जो ग्राफ मिला वो एकदम स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। ठीक है, ग्राफ जो उनको मिल रहा था, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा था, और उन्होंने एक इक्वेशन भी डिराइव करा, और वो इक्वेशन है दैट इज अंडर रूट वी इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो ए और बी है आपका, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। अच्छा, उसके बाद यहां तक क्लियर हो गया, अभी देखो आप ध्यान से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक ग्राफ प्लॉट करा, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, किसके बीच ग्राफ प्लॉट करा, अंडर रूट वी यानी अंडर रूट फ्रिक्वेंसी और जेड के बीच का बीच उन्होंने ग्राफ प्लॉट करा, और ग्राफ में उन्होंने क्या देखा कि उनको स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, तो जब स्ट्रेट लाइन मिला तो वो अब कंफर्म हो गए। ठीक है, उन्होंने पहले तो थ्योरेटिकली बताया था कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, और उन्होंने बताया क्या कि भाई जो जेड है आपका, यानी जो एटॉमिक नंबर है, ये मोर फंडामेंटल है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, किसके तुलना में, एटॉमिक वेट के तुलना में मोर फंडामेंटल है। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक लॉ दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या करा, एक लॉ दिया जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। अब ये लॉ क्या होता है, तो ये लॉ उन्होंने ये लॉ दिया कि भाई अगर हम लोग एलिमेंट्स को, अगर हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, उन्होंने ये लॉ दिया। अच्छा, ये लॉ उन्होंने कैसे दिया, ये जो लॉ उन्होंने दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने लॉ दिया, और वो लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग जो भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, अगर उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर अगर हम लोग अरेंज करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो है एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होगी। फिर से एक बार, अगर जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक था एटॉमिक वेट। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बोला कि भाई नहीं, एटॉमिक वेट को रिप्लेस करो, और किसे रिप्लेस करो, एटॉमिक नंबर से रिप्लेस करो। और जैसे ही आप अरेंज करोगे जो भी एलिमेंट्स थे उसको, अगर आप एटॉमिक नंबर के आधार पर अगर आप अरेंज करोगे, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रॉपर्टीज आपकी रिपीट करेगी। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, अब इन्हीं के कॉन्सेप्ट को, यानी जो मॉसले थे, है ना, जो मॉसले थे, इनके कॉन्सेप्ट को बोर ने, यानी नील बोर ने टेकअप कर लिया, बोल सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि इन्होंने जो अपना जो एक्सपेरिमेंट करा था वो कब करा था, 1912 में किया था, है ना। ठीक है, लेकिन ठीक 8 सालों बाद नील बोर ने इन्हीं के कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक है, इन्हीं के कॉन्सेप्ट का यूज करके उन्होंने एक मॉडल तैयार करा, उन्होंने एक टेबल तैयार करा जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, उन्होंने 1912 में क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा। किसने एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, हेनरी मॉसले ने एक्सपेरिमेंट करा। और ठीक 8 सालों बाद यानी 1920 में नील बोर ने, ठीक है, नील बोर ने इनके कॉन्सेप्ट का यूज करके एक टेबल तैयार करा जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पूरा फोकस होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अभी देखो आप यहां तक क्लियर हो गया, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने आपको बताया था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था वो किस पर बेस्ड था, वो आपका था एटॉमिक वेट पर बेस्ड था।
और अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो है आपका ये किस पर बेस्ड है, आपका ये है एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। अच्छा, ये टेबल किसने तैयार करा? ये टेबल नील बोर ने तैयार करा, और किसके कॉन्सेप्ट पर तैयार करा? तो हेनरी मॉसले के कॉन्सेप्ट पर तैयार करा। हेनरी मॉसले ने कैसे बताया? तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके बताया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे, ठीक है। अभी देखो आप ध्यान से, तो सबसे पहला इस टेबल की क्या खासियत है कि भाई ये जो टेबल है यानी जो है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस पर बेस्ड है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि दिस टेबल इज ट्रूली बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या चीज? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? सबसे पहला प्रश्न आ सकता है कि भाई एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है तो क्यों बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने थ्योरेटिकल ओपिनियन दिया, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया कि भाई एटॉमिक वेट जो है उससे मच मोर फंडामेंटल जो है आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो एटॉमिक नंबर अगर आप चूज करते हो, ठीक है, तो जो एनोमोलस बिहेवियर वाला था वो एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जा रहा है, आइसोटोप्स वाला जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है इसके थ्रू सॉल्व हो जा रही है, यानी अगर हम लोग अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, एटॉमिक नंबर के आधार पर अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो जो जो लिमिटेशन थे, जो जो एनोमलीज थी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की, वो सारे इसमें रिजॉल्व हो जा रहे हैं। ऑल ओके यहां तक? अच्छा देखिए इस टेबल में, ठीक है, इस टेबल में अगर आप देखो ध्यान से तो टोटल यहाँ पे ग्रुप की संख्या जो है, इस टेबल में जो ग्रुप की संख्या है वो है 18, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक से लेके 18 तक, यानी टोटल जो ग्रुप है यहाँ पे 18 ग्रुप है। और ओके पीरियड की अगर बात करो, ठीक है, अगर पीरियड की बात करा जाए तो यहाँ पे जो पीरियड है वो 7 है, ठीक है। यहाँ देखो आप ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल जो पीरियड है यहाँ पे कितने हैं? 7 है। और ओके यहाँ तक ग्रुप कितने हैं आपके? 18 ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप 18 है और पीरियड कितने हैं? 7 है। ऑल ओके। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से तो जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो पूरा पीरियोडिक टेबल है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको हमने क्या करा है, टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा? पहला हो गया आपका एस ब्लॉक, दूसरा हो गया ये पूरा जो है यानी यहां से ये पूरा जो है ना इसको बोलते हैं कौन सा? डी ब्लॉक। ये हो गया आपका पी ब्लॉक, और नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। और ओके, ये जो एस ब्लॉक होता है इसको हम लोग सॉफ्ट मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक जो होता है आपका ये सॉफ्ट मेटल्स होता है, ठीक है। जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन, ठीक है, जो डी ब्लॉक होता है इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इसको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो पी ब्लॉक है आपका, इसमें जो है आपका, इसमें आपके नॉन मेटल्स भी मिलेंगे। जो पी ब्लॉक है आपका, इसमें आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और नॉन मेटल के साथ साथ इसमें आपको मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, ठीक है। और ये जो एफ ब्लॉक है, ठीक है, एफ ब्लॉक जो है इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो हमारा क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपके टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स है, ठीक है। ग्रुप की संख्या कितनी है? 18 है। पीरियड कितने हैं? 7 है। ब्लॉक कितने हैं? 4 है। ऑल ओके यहां तक, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया सारी बात है कि भाई ग्रुप कितने होते हैं और किस पर बेस्ड है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। और जैसे उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट नंबर के आधार पर अरेंज करा, जितने भी खामियां थी, ठीक है, जितने भी खामियां थी वो सारी दूर हो गई, जितने भी लिमिटेशंस थे सारे दूर हो गए, लेकिन दो के अलावा, दो को छोड़ के। अब दो कौन कौन से? मेनली पीरियोडिक टेबल में भी प्रॉब्लम था हाइड्रोजन वाला, यहां भी प्रॉब्लम था हाइड्रोजन वाला, जो कि एज इट इज है इसमें भी, जो बोर ने जो टेबल तैयार करा। अच्छा, मेंडलीफ का जो नया वाला जो वर्जन आया था 1905 में, जो वर्जन आया था उसमें ये जो लैंथेनोइड्स और एसिटोनोइड्स हैं जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं उसको भी उन्होंने बाहर रखा था, और ये भी आज के डेट में यानी आज जो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें वही सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम जो है वो एज इट इज है, लेकिन दो के अलावा जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आइसोटोप्स वाला जो प्रॉब्लम आया था, सिमिलर प्रॉपर्टी को साथ रखना, डिसिमिलर, सिमिलर प्रॉपर्टी को अलग अलग रखना, डिसिमिलर प्रॉपर्टी को साथ में रखना,
ठीक है। तो और आपका इसके साथ साथ और आपका इसके साथ साथ जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे दूर हो गए इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। कौन कौन सा? हाइड्रोजन वाला प्रॉब्लम और ये जो आपका लैथनोइड्स और एसिटोनोइड्स से इसको मेन बॉडी में रखने का प्रॉब्लम, ये एज इट इज रह गया। बाकी जितने भी कमियां थी वो सारी दूर हो गई। ऑल ओके यहां तक? अच्छा, तो अभी हमने क्या डिस्कस करा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया कि भाई जब मेंडलीफ ने जब टेबल बनाया था अपना, तो उन्होंने बताया था कि भाई इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है, अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज करोगे तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद आपकी प्रॉपर्टीज रिपीट होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि क्यों रिपीट होगी, यानी उन्होंने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि बेस्ड है, किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस टेबल में हमने पता चल जाएगा, हमने पता है कि भाई पीरियोडिसिटी अगर प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है, यानी अगर आप एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है, अगर उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर अगर आप अरेंज करते हो, ठीक है, तो आप एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी। लेकिन क्यों रिपीट करेगी उसका रीजन हमने पता है, क्यों रिपीट करेगी? क्योंकि उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम आएगा, ठीक है। तो यहां पे बोल सकते हो बिकॉज ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम होगा, इसीलिए उनकी जो प्रॉपर्टी होगी एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होगी, ठीक है। फिर से अगर हम लोग एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर अगर हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी रिपीट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी एक सर्टेन इंटरवल पर रिपीट होगी, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो उन्होंने, जो मेनली पीरियोडिक टेबल का था, वो इस टेबल ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी देखो कैसे, ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई रिपीट करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो वो रिपीट करेगा, लेकिन कैसे? ये देखो आप ध्यान से, ये आपका जो है ना, ये जो है आपका कौन सा टेबल है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसमें हमने आपको बता दिया कि भाई कितने ग्रुप्स है, ठीक है। ये देखो, ये आपका ग्रुप वन है ना, ये जो है आपका ग्रुप वन है, ये ग्रुप टू है आपका, ठीक है, ये ग्रुप 13 है, ये 14 है, 15, 16, 17 और क्या चीज 18, ये हो गया ग्रुप आपका 3, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और क्या चीज 12, यानी टोटल 18 ग्रुप है ना। तो हम क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से पीरियोडिसिटी आपका का कारण, पीरियोडिसिटी का कारण किस प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा इस टेबल के थ्रू। देखो जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसका, यानी हम लोग ग्रुप 1 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 में क्या है? लिथियम है। तो अगर आपने नीचे क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि भाई इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लिथियम का क्या होगा, 2 और 1 होगा। सोडियम की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, 2 8 1 होगा। अगर पोटासियम की बात करेंगे तो 2 8 8 1 होगा, है ना। अगर रुबिडियम की बात करेंगे तो इसके भी लास्ट में 1 आएगा। सेसियम की बात करेंगे, इसके लास्ट में भी क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि कारण क्या है, यानी पीरियोडिसिटी का, यानी अगर हमारे पास जो भी एलिमेंट है अगर उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उनका प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम है। तो ये कारण था कि भाई रिपीट करेगा, प्रॉपर्टी क्या करेगी, रिपीट करेगी। कब? अगर आप सर्टेन, अगर आप क्या करते हो, अरेंज करते हो, किसको अरेंज करते हो, जो भी एलिमेंट्स थे अगर उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर अरेंज करते हो तो प्रॉपर्टी रिपीट करेगी, ठीक है। यानी पीरियोडिसिटी का ये कारण था। क्या कारण था फिर से एक बार, कि जो प्रॉपर्टी होगी, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस ग्रुप का भी आपको करके दिखाते हैं। देखो ग्रुप 17 की बात करें हम लोग, ये ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 की बात करके आपको दिखाते हैं। देखो ग्रुप 17 में क्या है आपका, ग्रुप 17 में आता है, देखिए ग्रुप 1 में आपको याद रख लेना है कौन कौन सा आता है। तो आसान सा तरीका होता है, हेलिना, हेलिना का रब से फरियाद, ठीक है, हेलिना का रब से फरियाद। इसमें क्या क्या आता है आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम, ठीक है, ये हो गया सीएस होता है यहाँ पे, सेसियम और होता है फ्रांसियम, ठीक है। तो सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, आप ऐसे बोलो कि सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा। इसका भी एक होगा, इसका 2 2 और 1 होगा, इसका 2 8 1 होगा, ठीक है, इसका क्या होगा आपका 2 8 8 1 होगा। ऑल ओके ना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम लोग बताना चाहेंगे आपको,
यहाँ पे अगर आप देखोगे यानी ऊपर से नीचे अगर आप देखोगे तो इसका जो होता है एक होता है एटॉमिक नंबर, इसका होता है तीन, इसका होता है आपका 11, है ना, इसका होता है 19, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आठ का डिफरेंस है, यहाँ भी देखोगे तो आठ का डिफरेंस है, फिर यहाँ जो है आपका हो जाएगा 37, यानी यहाँ पे 18 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 53, है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 का डिफरेंस, आ रही बात समझ। और तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है आपका, ये इस बेसिस पर यानी 2, 8, 18, 32 के बेसिस पर अरेंज्ड है। और ये जो नंबर होता है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो नंबर होता है 2, 8, 18, 32 जो नंबर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर। और लोग के यहाँ तक तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि भाई पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये तो हमने आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया ग्रुप वन का, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आपको ग्रुप 17 का एक दिखाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं ग्रुप 17 का। देखो ध्यान से, ग्रुप 17 में क्या आता है आपका, तो ग्रुप 17 में आपको याद रख लेना है आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इस प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं। फ्लोरीन का जो एटमिक नंबर होता है 9 होता है, फिर 17 होता है, फिर 35 होता है, फिर 53 होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर आप देखो तो 18 का डिफरेंस है, यहाँ भी देखो तो आपका हो गया 18 का डिफरेंस, फिर हो जाता है आपका 32 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो आपके जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, अरेंज होते हैं किसमें, ग्रुप में, ठीक है। इसमें कितने का डिफरेंस होता है, आपको याद रख लेना, मैजिक नंबर का डिफरेंस होता है। मैजिक नंबर क्या होता है, 2, 8, 18 और 32। और ये मैजिक नंबर कहाँ से आता है, ठीक है, ये जो नंबर होते हैं क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर, ठीक है। और ये मैजिक नंबर कहाँ से आता है, तो ये 2n² से आता है, ठीक है। ये जो मैजिक नंबर होता है ये कहाँ से आता है, 2n² से आता है। और 2n² को हम लोग क्या बोलते हैं, 2n² को हम लोग बोलते हैं बोर-बरी फॉर्मूला, ठीक है। आपने नीचे क्लासेस में, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा कि ये जो 2n² होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर-बरी फॉर्मूला। और ओके, तो अगर आप इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, 2 और 7 मिलेगा, इसका मिलेगा 2, 8, 7 मिलेगा, इसका करोगे 2, 8, 10 हो गया, 10, 8 कितना हो गया, 10 और 8, 18 हो गया, है ना, आप इसका 18 ही कर लो, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, यानी आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि जो लास्ट में है, ठीक है, लास्ट में जो है आपका वो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 7 मिलेगा। ऑल ओके, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लो, हो सकता है गलत हो, ये हो गया 2, 8, 10 और 10 और 18 कितना हो गया, 28 हो गया, और 28 और 7 कितना हो गया, 35। तो यहाँ पे देखो लास्ट में कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, यानी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो जब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है तो समझ लो कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, यानी आप बोल सकते हो कि सारे की प्रॉपर्टी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। और ये भी आपको याद रख लेना है कि ये कैसे अरेंज होते हैं, तो ये आपके मैजिक नंबर पर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और मैजिक नंबर यानी 2n², और ये इसको हम बोलते हैं बोर-बरी फॉर्मूला। ओके, उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, तो ये हमको आइडिया मिल गया कि भाई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस पर बेस्ड है, तो ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, हमने आपको ये बता रखा है कि भाई ग्रुप कितने होते हैं, 18, पीरियड कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, ब्लॉक कितने होते हैं, तो 4, हमने आपको बता रखे हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं, कौन कौन सा, हमने आपको बता रखा है कि भाई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये हो गया आपका एफ ब्लॉक। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, जो एस ब्लॉक होता है और जो पी ब्लॉक होता है, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एस ब्लॉक को, फिर से, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। जो डी ब्लॉक होता है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, जबकि जो एफ ब्लॉक होता है इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। फिर से एक बार, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होता है इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, जो डी ब्लॉक होता है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, जबकि जो एफ ब्लॉक होता है इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर से एक बार, एस ब्लॉक यानी ये जो आपका ये एस ब्लॉक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ना, एस ब्लॉक और ये पूरा पी ब्लॉक है आपका, ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, नो सॉरी ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, यानी डी वाले को बोलते हैं ट्रांजिशन, है ना, जो डी वाला होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, हम लोग एस वाले को, और क्या चाहिए, ये वाला जो है आपका पी वाला है इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है, एस वाले को और पी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव व्हाट एलिमेंट बोलते हैं, जो डी वाला होता है, फिर से एक बार, ये एस वाला हो गया और ये हो गया आपका पी वाला, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव,
ये जो डी वाला हो गया इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, जो एफ वाला हो गया इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, ठीक है। अच्छा एक बात और आपने ध्यान में रखना है कि भाई यहां से यहां तक ये पूरा जो है आपका ये मेटल का एरिया है, यानी इसमें आपको मेटल्स मिलेंगे, इसको छोड़ के हाइड्रोजन जो एक नॉन मेटल है, इसमें जो है आपका मोस्टली आपको तीनों मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेगा, मेटल भी मिलेगा और मेटलॉइड भी मिलेगा। और जो नीचे है आपका ये आपको जो यानी एफ ब्लॉक जो है इसमें भी आपको केवल मेटल्स ही मिलेंगे। फिर से एक बार इसको हम समझाते हैं आपको, ये देखिए ध्यान से, जो एस ब्लॉक है आपका, ठीक है, ऐसे आप बोलो तो मेटल हर जगह है, यानी मेटल तो हर एक ब्लॉक में है, ठीक है, लेकिन मेनली जो मेटल है आपका वो एस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है और एफ ब्लॉक में है। नॉन मेटल मेनली कहाँ पे है तो आपका पी ब्लॉक में है, ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं मेनली कहाँ मिलेंगे आपको, पी ब्लॉक मिलेंगे, और यहीं पे जो है आपको मेटलॉइड्स भी मिलेंगे, ठीक है, यहीं पे आपको क्या मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। और मेटलॉइड्स आपने पढ़ा होगा क्या होता है कि वैसे एलिमेंट जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करें, देखिए मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करें और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे हमने मार्क रखा हुआ, बोरोन, सिलिकन, जर्मनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, तो ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा और ये जो, और ये देखो ये जो हो गया आपके कुछ जो है इसमें मेटल्स भी है, यानी ये सब जो है आपके मेटल्स हो गए, ठीक है, ये सब जो क्या हो गया आपके मेटल्स हो गए, और इसमें आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, है ना, इसमें आपको मतलब ये जो पी ब्लॉक है आपका इसमें आपको तीनों मिलेगा, मेटल भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा और आपको मेटलॉइड भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन एस ब्लॉक में सब आपको क्या मिलेगा, मेटल्स मिलेंगे, इसको छोड़ के हाइड्रोजन जो एक नॉन मेटल है। डी ब्लॉक पूरा आपका क्या है, मेटल्स है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है, यानी एस जो पूरा जो एस ब्लॉक है इसको बोलते हैं सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। ये जो होता है हमारे डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन, जो एफ ब्लॉक होता है इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, ठीक है। अच्छा उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी, और आपको ये भी ध्यान रखना होगा भाई मैजिक नंबर क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखो मैजिक नंबर का भी यूज होता है, ये इसका यूज देखो, जो मैजिक नंबर है इसका यूज क्या है वो देखो आप ध्यान से, ठीक है। देखिए हमने पता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है, या आप ऐसे बोलो कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक हम लोग करते हैं ऑर्बिट के बेसिस पर, दूसरा हम लोग करते हैं ऑर्बिटल के बेसिस पर, है ना। अच्छा ऑर्बिट क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा कि ऑर्बिट भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपका वो एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, तो ये जो पाथ होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और ऑर्बिट जो होता है पॉली ऑर्बिट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, फिर एल से, फिर एम से, फिर ये आगे बढ़ जाता है आपका एन से। तो ये आपने पढ़ा होगा भाई के में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एम में आपका 18 आता है, एन में आपका 32 आता है। तो ये कहाँ से आया, ये जो फॉर्मूला है यानी 2, 8, 18, 32 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, ये 2n² से आया, ठीक है। तो 2n² क्या है आपका, तो बोर बरी फॉर्मूला है। अच्छा ऑर्बिटल क्या होता है, तो ऑर्बिटल हमने आपको बता रखा है कि भाई एक रीजन होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, एक रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफी अधिक होती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग केवल ऑर्बिट के थ्रू ही डिस्कस करेंगे कि भाई ऑर्बिट के थ्रू ही हम लोग जो है ना बताने की कोशिश करेंगे कि भाई एलिमेंट का पोजिशन एग्जैक्टली है का, ठीक है। अच्छा उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि भाई 18 ग्रुप है, पीरियड ब्लॉक हमने समझा दिया आपको, एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ तक क्लियर हो गया, अभी देखो तो हमने आपको बताया कि भाई टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 18। तो जो ग्रुप 1 होता है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, जो ग्रुप 2 होता है इसको बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स, याद रखिएगा ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3 से लेके 12 तक जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। अच्छा और हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है ना इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। जो ग्रुप 3 से लेके 12 है जिसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं ये डी ब्लॉक के अंदर में आता है, ठीक है, ये जो है आपका डी ब्लॉक बोलते हैं हम लोग, आप बोल सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल्स यानी क्या चीज, डी ब्लॉक, ठीक है यहां तक। अच्छा ग्रुप 13 से लेके 18 तक, ठीक है, ग्रुप 13 से लेके 18 तक को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में आपको सारे मिलेंगे, यानी आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी मिलेंगे और साथ साथ आपको मेटल्स भी मिलेंगे, मतलब आपको तीनों मिलेगा,
ठीक है, तीनों आपको मिलेगा ऑल ओके। अच्छा एक प्रश्न आपके मन में और आ सकता है कि भाई एफ ब्लॉक का ग्रुप क्या होता है, तो आपको रट लेना है कि जो एफ ब्लॉक होता है उसका ग्रुप तीन होता है, थ्री होता है ऑल ओके। फिर से एक बार, 18 ग्रुप होते हैं तो ग्रुप वन को क्या बोलते हैं अल्कली, ग्रुप टू क्या बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप तीन से लेके 12 तक को क्या बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ग्रुप 13 से 18 उसको बोलते हैं हम लोग पी ब्लॉक। इसमें आपको तीनों मिलेंगे, नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड तीनों मिलेंगे ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा ये तो हमने आपको समझा दिया कि भाई ग्रुप वन यानी अल्कली, ग्रुप टू यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप तीन से 12 भी हमने आपको बता दिया कि भाई ट्रांजिशन होते हैं ठीक है। और लेकिन जब हमने आपको ग्रुप तीन से लेके 18 तक जो है इसमें हमने आपको बता दिया, ये बताया कि भाई इसमें तीनों है आपको, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स और मेटल्स है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफाइड तरीके से हम आपको हर एक ग्रुप के बारे में जानकारी देते हैं ठीक है। देखिएगा ध्यान से, जो ग्रुप 13 होता है ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई डी ब्लॉक सॉरी जो पी ब्लॉक है आपका ठीक है। फिर से एक बार, जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने ब्लॉक्स हैं आपके टोटल, ये एक एस ब्लॉक हो गया, ये हो गया आपका डी ब्लॉक, ये क्या हो गया पी ब्लॉक, और ये मान लो कि एफ ब्लॉक हो गया ऑल ओके। एस ब्लॉक जो है इसमें कौन कौन सा ग्रुप है, वन और टू है, डी ब्लॉक में तीन से लेके 12 तक है, पी ब्लॉक में कौन कौन सा 13 से लेके 18 तक, और इसका अगर ग्रुप देखा जाए तो इसका भी ग्रुप तीन आता है। और एफ ब्लॉक हमने दो भागों में डिवाइड करा हुआ है, कौन कौन सा लैथेनिड्स ठीक है, लैथेनिड्स, और हमने आपको डिवाइड कर रखा है एसिटिनिड्स में ऑल ओके। देखिए आपको हम दिखाते भी हैं ठीक है, ये जो है लैथेनिड्स और एसिटिनिड्स जो है हम आपको करके दिखाते भी कि भाई लैथेनिड्स और एसिटिनिड्स कैसे, ये देखो ये हो गया आपका कौन सा है, ये जो है आपका नीचे वाला, जो आप पे ध्यान दो तो नीचे वाला है आपका है ना, ये एफ ब्लॉक कहलाता है, और एफ ब्लॉक जो ये जो है आपका लैथेनिड्स है, और ये जो है क्या आपका एसिटिनिड्स है ठीक है। आप बोल सकते हो उसको सिंपल तरीके से कि वैसे एलिमेंट ठीक है, वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ठीक है, वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक, फिर से वैसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक होगा उसको बोलते हैं लैथेनोइड्स है ना, उसको क्या बोलते हैं लैथेनोइड्स बोलते हैं। और यहाँ पे देखो 89 से लेके अगर 103 तक होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग एसिटिनोइड्स बोलते हैं। तो इन दोनों बातों का आपने ध्यान रखना कि भाई लैथेनोइड्स क्या होता है और एसिटिनोइड्स क्या होता है ठीक है। और लैथेनोइड्स और एसिटिनोइड्स जो है किसके पार्ट है, ये जो है आपके पार्ट है एफ ब्लॉक के ठीक है, ये एफ ब्लॉक के पार्ट है। इनका अगर ग्रुप देखा जाए तो इनका ग्रुप क्या आता है, तीन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये हो गया आपका एफ ब्लॉक ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक सारी चीजें समझ आ रही होंगी कि भाई एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक ग्रुप के बारे में यानी जो पी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप्स हैं हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ठीक है। देखिए ग्रुप वन तो समझ आ गया अल्कली बोलते हैं, ग्रुप टू भी समझ आ गया ठीक है, ग्रुप वन यानी अल्कली, ग्रुप टू यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, इसको मतलब बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली ही बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप टू को क्या बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ठीक है, ग्रुप टू को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप तीन से 12 भी क्लियर हो गया कि भाई इसको बोलते हैं ट्रांजिशन बोलते हैं। ग्रुप 13 की को बोलते हैं बोरोन फैमिली, याद रखिएगा ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को बोलते हैं निक्टोजन है ना, याद रखिएगा ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं निक्टोजन ठीक है। जो ग्रुप 16 होता है उसको बोलते हैं चैल्कोजन ठीक है, ग्रुप 16 को बोलते हैं हम लोग क्या चीज चैल्कोजन, यहाँ पे आपको लिख देते हैं ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं चैल्कोजन ठीक है। ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन ठीक है, ग्रुप 17 को बोलते हैं हम लोग हैलोजन। जो ग्रुप 18 होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस बोलते हैं है ना, इनर्ट गैस बोलो आप इसको, या इसको आप नोबल गैस बोलो ठीक है, या इसको आप अनरिएक्टिव गैस बोलो ठीक है। अच्छा आपको याद रखना चाहिए, याद होना भी चाहिए कि भाई कौन कौन सा होता है नोबल गैस ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए कि भाई हीलियम ठीक है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये होते हैं अभी कौन से होते हैं नोबल गैस होते हैं। आपको याद होना चाहिए कि भाई ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो याद रखिएगा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब सारे किस में आते हैं हैलोजन में आते हैं ठीक है। अगर हैलोजन का पूरा मतलब अगर आप समझना चाहो ठीक है, अगर आप जो है हैलोजन का अगर पूरा मतलब समझना चाहो तो हैलो का मतलब होता है सॉल्ट ठीक है। अगर आप हैलोजन का मतलब समझना चाहो तो हैलो जो होता है ना, हैलो ठीक है, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट। और जो जेन है यानी जेनस ठीक है, जेन यानी जेनस, जेनस का मतलब होता है सॉल्ट मेकर ठीक है। अगर दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा सॉल्ट मेकर, यानी जितने भी सॉल्ट होते हैं सब आपके ग्रुप 17 से ही बनते हैं ऑल ओके। अच्छा अब एक बात आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि भाई हम लोग किस प्रकार से ग्रुप को पहचाने
ठीक है, किस प्रकार से ग्रुप को पहचाने, किस प्रकार से पीरियड को पहचाने, ठीक है, लेकिन इसका उत्तर हम लोग थोड़ी देर में प्राप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रुप हमने समझ लिया, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं पीरियड की। ठीक है, ग्रुप तो हमने समझ लिया, अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं पीरियड के बारे में। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, थोड़ा इसको भी हम लोग थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, ये इस प्रकार से होता है, एक रेक्टेंगुलर टेबल होता है ना। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो भी चेंजेस किए गए, यानी रिप्लेस करा गया, किसको रिप्लेस करा गया, एटॉमिक वेट को रिप्लेस किया है एटॉमिक नंबर से। ठीक है, जो भी चेंजेस किए गए, आपका जो जो नोमेनक्लेचर था, जो ग्रुप था, जो भी चेंजेस किया गया, लेकिन एक चीज जो है, एक चीज क्या एज इट इज रह गया, उनका जो मेन जो टेबल था, जो मेंडलिफ का जो मेन टेबल था, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। यानी जो भी चेंजेस किए जा रहे थे, ठीक है, जो भी चेंजेस किए जा रहे थे, उसका एक मेन टारगेट ये भी था कि जो उनका जो टेबल है, जो मेंडलिफ ने जो टेबल तैयार करा है, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था। ठीक है, ये देखिए, आपने पता है कि भाई इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रो, है ना, या इसको आप बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल बोलो आप, हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं। ये जो होता है आपका ये वाला वर्टिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप तो हमने जान लिया कि भैया टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं पीरियड के बारे में। ठीक है, तो पीरियड कितने होते हैं, तो ये हमने आपको बता रखा कि भाई पीरियड 7 होते हैं। ठीक है, अच्छा तो सबसे छोटा जो पीरियड होता है वो होता है फर्स्ट पीरियड, है ना। अच्छा हमने आपको ये भी बताया कि भाई जो एलिमेंट्स में जो एलिमेंट जो अरेंज होते हैं ना, जो पीरियड में जो अरेंज होते हैं, वो 2, 8, 18, 32 यानी मैजिक नंबर के बेसिस पर अरेंज होते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो फर्स्ट पीरियड होता है इसमें मात्र आपके 2 एलिमेंट्स होते हैं और इसको हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। जो सेकेंड और थर्ड पीरियड है इसमें टोटल आपके 8 एलिमेंट्स होते हैं और इसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। जो फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड होता है इसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं और इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। जो आपका जो सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड होता है इसमें टोटल आपके 32 एलिमेंट्स होते हैं और इसको इनकम्प्लीट पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है इनकम्प्लीट पीरियड भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई टोटल पीरियड 7 होते हैं। सबसे छोटा पीरियड होता है पीरियड 1 और पीरियड 1 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो केवल 2 होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है क्या, हीलियम। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड जो होता है ये इनकम्प्लीट पीरियड होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि भाई एक वर्ड आपको और मिल सकता है, टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, तो ग्रुप 3 पीरियड 3 के, ठीक है ध्यान से समझिएगा, पीरियड 3 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, पीरियड 3, ठीक है, पीरियड 3 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको पीरियड के बारे में समझ आ गया होगा, ग्रुप के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अभी देखो आप, अब हमने समझ लिया कि भाई ग्रुप को हमने समझ लिया, हमने पीरियड को समझ लिया। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए कि भाई क्या क्या एडवांटेजेज हैं, जो हमने टेबल पढ़ लिया, जो हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल आपको बताया, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेज हैं। तो सबसे पहला अगर एडवांटेज देखा जाए, ये जो टेबल है एक सिस्टमेटिक स्टडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लो कि ग्रुप 1 की बात कर रहे हो, ग्रुप 1 में अगर केवल आपने लिथियम की प्रॉपर्टी जान ली, ठीक है, ग्रुप 1 में अगर आपने केवल लिथियम की प्रॉपर्टी जान ली, तो आप लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम, बाकी के भी जो बाकी जितने भी उसके नीचे एलिमेंट हैं, आप सारी की प्रॉपर्टी समझ सकते हो, सारी की प्रॉपर्टी आप जान सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि ये जो आपका टेबल एक सिस्टमेटिक स्टडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, तो सेकेंड इसका क्या एडवांटेज है कि जो जो कमियां थी मेंडलिफ की, यानी जो जो एनोमलीज थी, जो जो कमियां थी, उसको इस टेबल ने दूर किया। ठीक है, उसको इस टेबल ने क्या करा, दूर किया। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, पूरा जो ओवरऑल जो सिस्टम था उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, केवल रिप्लेसमेंट हुआ है। किस कैसे कैसे रिप्लेसमेंट, एटॉमिक वेट को रिप्लेस कर दिया गया एटॉमिक नंबर से। जो आपका मार्किंग था, जो पहले अगर आप देखोगे तो जो मेनली पीरियोडिक टेबल था उसमें इस प्रकार का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1, 2, 3 रोमन फिगर का यूज किया गया था ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अब कैसा होता है, सिंपली 1, 2, 3 लिख दिया जाता है। तो केवल चेंजेज हुए लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम था वो डिस्टर्ब नहीं किया गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस टेबल के थ्रू, यानी अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो पोजीशन कि भाई एलिमेंट का पोजीशन कहां पे है, आप एग्जैक्टली प्रॉपर्टी बता सकते हो कि भाई एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, तो बोल सकते हो कि भाई याद करना काफी आसान कर दिया इस टेबल ने पूरे एलिमेंट को, एलिमेंट की प्रॉपर्टी को।
ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो टेबल है आपका एक डायगोनल रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, ठीक है, और इसके थ्रू हम लोग आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। रिप्रोड्यूस करने का यहाँ मतलब मेरा ये है कि अब जो एलिमेंट की जो खोज है, जो एलिमेंट का जो डिस्कवरी का जो स्पीड है वो काफी तेज हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने आपको यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट में जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पोजिशन बता देता है और प्रॉपर्टीज बता देता है, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये तो आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई प्रॉपर्टी वाली बात कैसे, प्रॉपर्टी कैसे बताएगा, ये तो आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई ग्रुप में अगर आया जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है ना, ग्रुप में क्या होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होगा, ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा सेम होगा, तो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी सेम होगी, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो प्रॉपर्टी क्या होगी सेम होगी, ठीक है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं फ्लोरीन का, फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है, ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है 9, तो इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर दिया 2 और 7, ठीक है। क्लोरीन है, इसका होता है कितना 17 होता है, तो इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर दिया 2 8, क्या चीज 7, ठीक है। उसी प्रकार फ्लोरीन के, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन आपका 35 होता है, तो इसका हो गया 2 8 18 7, तो इस प्रकार से जो है आपका देखो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आपका सेम है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आपका सेम है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होगा तो ऑब्वियस है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी सेम होगी, है ना। और यही कारण था पीरियडिसिटी का, पीरियडिसिटी का कारण क्या था, जो मेंडलीफ का जो टेबल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि भाई क्यों अगर रिपीट कर रहा है तो रिपीट क्यों कर रहा है, लेकिन जो मॉडर्न पीरियड टेबल है ये समझा दिया कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है इसीलिए प्रॉपर्टी क्या कर रही है रिपीट कर रही है। चलिए यहां तक तो उम्मीद आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट जो है कि भाई किस प्रकार से हम लोग पीरियड कैलकुलेट करेंगे और किस प्रकार से हम लोग ग्रुप कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं अभी कि भाई कैसे हम लोग पीरियड कैलकुलेट करें, कैसे हम लोग ब्लॉक कैलकुलेट करें, है ना, हम लोग कैसे बताएं कि भाई मेटल है कि नॉन मेटल है ना, हम लोग इन सब चीजों को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रुप वन का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप वन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप वन में क्या होता है आपका पता होना चाहिए कि लिथियम सोडियम है ना, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सेसियम फ्रांसियम, ठीक है। याद करने का तरीका क्या होता है, तो इसका याद करने का आसान तरीका होता है लीना का रब से फरियाद, ठीक है। इसको इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो 2 1 हो जाता है, इसका हो जाएगा 2 8 1 हो जाता है, ठीक है। इसका हो जाएगा क्या, 2 8 8 1 हो जाता है, ठीक है। यानी यानी यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, यानी ग्रुप वन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया आपका 1 निकल गया, है ना। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला ये कितना निकल गया 1 निकल गया, और लोग के वैलेंसी की अगर बात करें तो वैलेंसी भी कितना निकल गया 1 निकल गया, है ना। वैलेंसी भी कितना निकल गया 1 निकल गया, तो याद रखना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप भी आपका 1 होगा, याद रखिएगा फिर से, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप भी कितना होगा 1 होगा, और लोग के अच्छा अगर ग्रुप वन है, अगर क्या है ग्रुप वन है तो जो ब्लॉक होगा आपका वो क्या होगा एस ब्लॉक होगा, क्यों, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि जो एस ब्लॉक होगा इसमें 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू आते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर आपको केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आप वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, आप ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हो, आप ब्लॉक कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा पीरियड देख लिया जाए कि भाई इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड काउंट करो आप केवल ये वाला नंबर ऑफ सेल्स काउंट करो, ये 1 और 2 आपके नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो इसका हो गया पीरियड 2, इसका पीरियड हो गया 3, इसका पीरियड हो गया क्या चीज 4, यानी पीरियड पीरियड अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर आपको पीरियड कैलकुलेट करना है तो सिंपली आपने नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स जो है उसको आपने केवल काउंट कर लेना, ठीक है, तो आपको पीरियड पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो आप क्या कि भाई यहाँ पे हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है कि भाई अल्काली मेटल्स हैं, ग्रुप वन है, ठीक है, ग्रुप वन है यानी अल्काली मेटल्स है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 होगा ना तो सारे के सारे क्या होंगे मेटल्स होंगे, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो आपको समझ लेना है कि भाई सारे के सारे क्या होंगे मेटल्स होंगे, और लोग क्या यहाँ तक अच्छा मेटल्स होंगे लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे,
ठीक है, ये जो मेटल्स होंगे, लेकिन ये जो मेटल्स होंगे आपके हाईली रिएक्टिव क्या होंगे, मेटल्स होंगे। तो इस प्रकार से जो हमने क्या जान लिया, ग्रुप वन के बारे में जान लिया। ठीक है, ग्रुप वन के बारे में हमने क्या क्या जाना, ग्रुप वन के बारे में हमने जान लिया कि भाई इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे मिला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिला। और ये भी ध्यान रखिएगा बात आप कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऑर्बिट मेथड से, दूसरा ऑर्बिटल मेथड से। और अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऑर्बिट मेथड से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन निकल गया तो वैलेंसी भी वन, ग्रुप कितना वन। तो ये बस याद रखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होगा तो ग्रुप भी क्या होगा, वन होगा। जब ग्रुप पता चल गया तो हमको ब्लॉक पता चल जाएगा। ठीक है, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है तो सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। ठीक है, और ये जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव क्या चाहिए, मेटल्स है। पीरियड देखना है आपको तो नंबर ऑफ सेल्स आप देख लो कि भाई इसके नंबर ऑफ सेल्स दो है तो पीरियड दो, तीन है तो पीरियड तीन। ठीक है, उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी देखो आप, अब हम लोग क्या करते हैं ग्रुप टू के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो ग्रुप वन की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ग्रुप टू के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ग्रुप टू से अच्छा होगा कि हम आपको एक कॉमन मेथड बता देते हैं। देखो आप ध्यान से, वो कॉमन मेथड क्या है। सबसे पहले आप क्या करो, ग्रुप लिख दो यहाँ पे। ग्रुप अगर एक है, ठीक है, ग्रुप क्या है, ग्रुप लिख दो एक तरफ आप, और यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख दो वैलेंसी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख दो वैलेंसी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वैलेंसी लिख दो आप यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, ब्लॉक लिख दो। ठीक है, अच्छा, अभी देखो आप, तो अगर आपका, ठीक है, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक आता है तो आपका ग्रुप भी क्या होगा, एक होगा। ग्रुप एक तो आपका ब्लॉक क्या होगा, एस होगा। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है, दो आता है, तो समझ लो कि ग्रुप कितना, दो। ठीक है, ब्लॉक वापस से आपका एस ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो वैलेंसी भी एक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो तो वैलेंसी भी कितना, दो। देखिए वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी यानी वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन आता है, ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आता है, तीन आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ग्रुप कितना हो गया आपका, तेरह। ठीक है, वैलेंसी कितना हो गया, तीन हो गया, लेकिन ब्लॉक क्या हो गया आपका, पी हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर चार आते हैं तो ग्रुप हो जाएगा आपका चौदह। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पांच आता है तो ग्रुप हो गया आपका पंद्रह। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर छह आता है तो ग्रुप हो गया सोलह। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सात आता है तो ग्रुप हो गया सत्रह। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आठ आता है तो समझ लो कि ग्रुप कितना हो गया, अठारह। और लोग यहां तक, अच्छा, वैलेंसी देख लिया जाए तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार आता है तो वैलेंसी भी कितना होगा, चार होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पांच आता है तो आपने क्या कर देना है, घटा देना है, आठ में से घटा देना है, यानी तीन हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह आता है तो आपका वैलेंसी कितना, दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सात आता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आठ आ जाता है तो समझ लो कि वो क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा, जीरो। ठीक है, अच्छा, ब्लॉक की अगर बात करा जाए तो आपने पता है ऑलरेडी कि भाई तेरह से लेके अठारह तक, तेरह से लेके अठारह तक का जो ब्लॉक होता है वो क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और ब्लॉक। तो बस केवल आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, पीरियड वाला थोड़ा देख लिया जाए, है ना, पीरियड वाला। तो पीरियड वाला हमने आपको बता रखा है, ठीक है, और पीरियड में क्या करना आपको देख लेना है कि भाई नंबर ऑफ सेल्स, अगर आपको नंबर ऑफ सेल्स, अच्छा, नंबर ऑफ सेल्स आप कैसे पता करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। ठीक है, उम्मीद है आपको आज से क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा।